स्टूडेंट डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 13.2 क्लास 9th, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो चुका था, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा। एक मेटल का पाइप है जो कि 77 मीटर जो है लंबा है, सेंटीमीटर लंबा है। द इनर डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 4 एंड द आउटर डायमीटर इज 4.4, यानी कि ये थोड़ा सा हॉलो है। इनर डायमीटर 4 है और आउटर डायमीटर 4.4 है। इस टाइप से है कुछ, ठीक है। आगे दे रखा है इनर कर्व सरफेस एरिया बताना है, आउटर कर्व सरफेस एरिया बताना है, टोटल कर्व सरफेस एरिया बताना है। अब अगर इनर कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो आपको 4 सेंटीमीटर से 2 पाई आर एच लगा देना है। अगर आउटर सरफेस एरिया की बात करता है तो आपको 2 पाई आर एस से 4.4 लगा देना है। टोटल सरफेस एरिया की बात करता है तो आपको क्या करना है, 2 पाई आर एच तो आउटर का लेना है और हाँ टोटल लेना है तो 2 पाई आर एच आउटर का लेना है प्लस 2 पाई आर एच इन का लेना है, और इसमें से दो सर्कल जो सरकमफ्रेंस वाले हैं उसमें से बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटा वाला सर्कल के एरिया माइनस कर देंगे तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा, उसको 2 टाइम्स कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे इनर सरफेस एरिया, इनर सी एस ए इक्वल टू पाई आर एच, 22/7 इंटू आर, 4 × h 77, 4 × 8 इंटू 20, 2 × 11 22 × 88, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करा लो भाई 88 × 22 की 8 × 16, 8 × 16 = 17, 8 × 16 = 1, 8 × 16 = 17 = 13, 1936 हो जाएगा। फिर आउटर सरफेस एरिया, आउटर सी एस ए तो 2 वही रहेगा, 22/7 वही रहेगा, रेडियस हो जाएगी 4.4 इंटू एच आपका 77 ही रहेगा, 11 हो जाएगा जी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4.2, इससे हो जाएगा 8.8 इंटू 22 × 11, तो आप इसका प्रोडक्ट कराइए, ये हो जाएगा 2129.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इनर सरफेस एरिया आ गया और आउटर सरफेस एरिया आ गया। अब क्या करना है आपको, इन दोनों को ऐड कर देना तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। टोटल टी एस ए जब निकालेंगे तो टी एस ए इक्वल हो जाएगा आपका, पहले दो आंसर चेक कर लेते हैं। 13.2 का थर्ड, इसका थर्ड है ये। देखिए स्टूडेंट हमें यहाँ पर 4 जो दे रखा था वो डायमीटर था, तो इसका हाफ करना पड़ेगा हमें, दोनों ही प्लेसेस में हाफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, मतलब यहाँ 4 है आपका ये, अगर आपने रेडियस 4 लगाया है तो रेडियस का हाफ कर दीजिए, टोटल आंसर में 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 9 18 2 9 18, और यहाँ कर देंगे तो 2 9 18, यहाँ आ जाएगा 1 बचता 2 6 12 और 2 8 16, सेम यहाँ भी होगा, अपॉन में 2 करना पड़ेगा आपको, तो 2 1 2
जीरो, टू सिक्स जाए 12, टू फोर जाए 8 और टू 8 जाए 16। अब चेक कर लेते हैं एक बार। यह 968 और 1064 करेक्ट है आपका, बिल्कुल ये। अब कह रहा है TSA, तो अब जब आपको TSA निकालना है क्या करेंगे आप? तो दोनों के जो CSA हैं वो तो ऐड कर देंगे, CSA ऑफ इनर प्लस CSA ऑफ आउटर प्लस में क्या मैंने आपको बताया था, ये जो आपका एरिया है ये टोटल सर्कल में से छोटा वाला सर्कल माइनस कर देंगे तो बाहर का जो बचता है ये मिल जाएगा हमें। इसको भी तो पेंट होगा ना, और ये जैसा ऊपर है वैसा नीचे भी है तो सिमिलर हो जाएगा, टू टाइम्स ही है। तो टू टाइम्स ऑफ पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू लगा देंगे 968, यहाँ लगा देंगे 1064.8, और यहाँ आ जाएगा 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7, और यहाँ लगाएंगे आर, आर क्या हमारा 4.4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो 968 प्लस 1064.8 प्लस 44/7, इसको अंदर सॉल्व करेंगे तो 4.4 प्लस 4 और 4.4 माइनस 4, तो 968 प्लस 1064.8 प्लस 44/7, इसको देखेंगे तो हो जाएगा 8.4, और यहाँ से हो जाएगा हमारा 0.4, तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से 7 इसे ऐड कर लेंगे, 8 4 12, 6 6 12 1 13, 10, 1 है तो बन जाएगा 2.8 प्लस 44 एज इट इज। अब 12 फोर जा 48, ये हो गया। अब 44 और 0.48 को मल्टीप्लाई करा लेंगे, यह जाएगा 21.12, इसको माइनस कर देंगे 2032.8 माइनस 21.12। हाँ बेटे देखिए सेम प्रॉब्लम वहाँ भी, यहाँ भी वही हुई है, यहाँ पर हमें 2/2 और करना पड़ेगा ना क्योंकि रेडियस है ये, तो 2.2 का स्क्वायर होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 2.2 प्लस 2, यहाँ 2.2 माइनस 2। एक चीज़ को भूल जाओ तो वहीं पर मिस्टेक हो जाती है, ये तो हमने सही ऐड किया था 2032.8 माइनस, यहाँ पर आपका 44/7 सही है। अब इसे करेंगे तो जाएगा 4.2 और यहाँ आ जाएगा 0.2, इसे करेंगे तो हो जाएगा 7 6 42 0.6, ये जाएगा 2032.8 माइनस 44 इंटू 6 2 12, तो 44 इंटू 0.12। ये जाएगा 5.28,
2032 माइनस 5.28 टोटल सरफेस एरिया है बेटा, तो ऐड होगा ना यहाँ पर। देखो ऐड लिख रखा था पहले, बाद में सबट्रैक्ट करा दिया, तो यहाँ ऐड होगा ये आपका। तो इसे ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 527। पहले यहाँ से ऐड करेंगे, 8 लास्ट में, 8 to 10 डेसिमल 527 और 18 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स।